डॉक्टर झटका, मुझे भूख लगती ही नहीं है। कसम मेरे मरीजों की, चिंता की कोई बात नहीं यार, मैं ऐसी दवा दूंगा कि बीमार और बीमारी दोनों ठीक हो जाएंगे। है? बड़े भैया, फिर देर किस बात की, जल्दी करो। ओ यार, ये दवा की शीशी है, इसमें से सिर्फ एक गोली खाने से पतलू को भूख लगने लगेगी, ये लो, और एक गोली इस ग्लास के पानी के साथ पी जाओ यार। है? जब एक गोली से भूख लगने लगती है तो अगर एक साथ सारी गोलियां खिला दी जाए तो क्या होगा? जो भी होगा पतलू के लिए अच्छा नहीं होगा। वाह वाह बॉस, क्या कविता कही है। कविता को छोड़ो, कविता को छोड़ो, कुछ काम करते हैं। सुटिया पापड़ वाले ने क्या गिर गया यार? चलो चल कर देखते हैं। नीचे। अरे जॉन, ऊंट कहाँ है? कोई चूहा जरूर इधर उधर छुपा हो सकता है। हाँ यार, लेकिन जॉन के साइज के आदमी को तो चूहा ही ऊंट लगेगा। उड़ा लो, उड़ा लो, जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो, लेकिन अभी तुम सबको लेने के देने पड़ने वाले हैं, क्योंकि पतलू के ग्लास में मैंने पूरी शीशी की दवा मिला दी है। ये तो गड़बड़ हो गई यार, अब तो पतलू की भूख को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा यार। मोटू, मुझे भूख लग रही है। मोटू कुछ करो, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। अरे वाह पतलू, तुम्हारा खाना देख के तो मेरी भूख भी बढ़ गई। चलो पार्टी हो जाए। ये क्या हो रहा है, पतलू का बदन तो खाते ही मोटा हो गया। ओए मोटू मेरे यार, अब ये जितना खाएगा उतना ही मोटा होता जाएगा, तुम इसे ले जाओ, तब तक मैं कोई एंटीडोट बनाता हूँ यार। अरे गाड़ी वाले का। ए मोटू पतलू, कैसे हो, क्या हाल है? बुरा हाल है, न रोटी है न दाल है, पेट के अंदर भूचाल है। भैया माँ, पतलू तो कभी हो गया, कानून की कसम। चिंगम सर, मैं न कवि हूँ न कविता, मैं तो इस वक्त बड़ा बेबस हूँ, लाचार हूँ, और सिर्फ खाना खाने के लिए बेकरार हूँ। अरे पतलू, तेरे लिए कम से कम एक समोसा तो छोड़ देते, लेकिन समोसा तो दूर, तुमने उसके अंदर का मसाला भी नहीं छोड़ा, उसका छिलका भी नहीं छोड़ा। अरे ये क्या हो रहा है, मैं तो अकेले मोटू से ही परेशान था, अब ये पतलू भी भुक्कड़ हो गया। अरे अब मेरा क्या होगा भाया? अरे तुम्हारा छोड़ो, इस पतलू का क्या होगा जो खाते ही मोटा होता चला जा रहा है। लेकिन मोटू ये चक्कर क्या है? अरे ये सब डॉक्टर झटका की दवाई का साइड इफेक्ट है, कुछ करना पड़ेगा मोटू, कुछ करो। अरे खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। चाय वाले भैया, अगर तुम कुछ गर्मा गर्म समोसे सेक कर मुझे खिला दो तो हो सकता है कि कुछ दिमाग चलने लगे। अरे जाते हो या नहीं, एक तो पहले ही मेरा सब कुछ खा पी के हजम कर लिया, ऊपर से और मांग रहे हो। अरे निकलो।
मोटू भूख लगी है, खाना दो खाना दो। कहाँ से लाओ खाना, अपने घर में भी कुछ बचा नहीं है और जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ। कुछ भी करो लेकिन मुझे खाना दो खाना दो। अयो माँ, इसकी भूख का इलाज क्या है? खाना खाना इतना भी नहीं समझते, लेकिन मैं समझ गया कि तुम लोग सिर्फ बातों के बताशे ही बनाते रहोगे, मेरे लिए कुछ भी नहीं करोगे। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये अच्छा रहा, अब वहाँ पतलू को खाना खाने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि ये बॉक्सर की मार खा के ठीक हो जाए। तो यही बाहर बैठकर तमाशा देखते हैं। कहो चिंगम सर, कैसी रही? खामोश हो जाओ और अंदर के नजारे का इंतजार करो। चोरी, अभी बताता हूँ। ओए मैं कहता हूँ रुक जाओ। अरे अरे, तू आदमी है या रुई का बंडल? तुझे तो कुछ असर ही नहीं हो रहा है। डर जा, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। तेरी हालत बिगाड़ के पूरे गांव को बताऊंगा। उससे पंगा लेने का अंजाम अभी करता हूँ, तेरा काम तमाम। ये तो अनहोनी की होनी हो गई चिंगम सर। अब तो आप पतलू को पकड़ के जेल में डाल ही दो। जेल में तो डाल दूंगा, लेकिन खिलाऊंगा क्या? ये तो सारे कैदियों का खाना अकेले एक ही दिन में खा जाएगा। चिंगम सर, इस बॉक्सर के यहाँ खा के तो मेरी भूख और भी बढ़ गई। अब तो मुझे इडली डोसा खाने का मन कर रहा है। मैं तो चला इडली खाने। सर सर, आपकी तबीयत खराब है क्या? नहीं। तो आपको किसी अपराधी ने पीटा क्या? तुम लोग क्यों अनाप शराब बक रहे हो? चुप हो जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। लेकिन सर, आप परेशान क्यों दिख रहे हो? नहीं नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, बस सोच रहा हूँ कि पतलू इडली खाने गया है और जिसके घर में खाने बैठ जाएगा उधर चटनी सांबर कुछ भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन इडली डोसा तो पुरपुरी नगर में कहीं नहीं बनता सिवाय मेरे घर के, और पतलू वहाँ जा नहीं सकता। लेकिन वो मेरे घर क्यों नहीं जा सकता? हेलो मम्मी, पतलू आए तो उसको इडली डोसा मत खिलाना। अयो, लेकिन वो तो यहाँ बैठ के खा रहा है और पूरे महीने का राशन खा चुका है। अयो क्या? अयो माँ, बस करो पतलू, बस करो, अम्मा थक जाएगी। नहीं, बस 2-4 सौ डोसे और। ए, रुक जाओ इन द नेम ऑफ लॉ, तुम्हें कानून की कसम। अम्मा, ये क्या हो गया? अम्मा बेहोश क्यों है? अरे कुछ नहीं, बस मोटू ने मुझे खाने से रोका और मैंने कहा कि बस 2-4 सौ डोसे और खा लेने दो। अम्मा ये सुन के बेहोश हो गई। 2-4 सौ यानी 400 डोसा और। अम्मा अरे जल्दी आओ बड़े भैया, पतलू ने तहलका मचा रखा है।
ये लो यार, एंटीडोट बन गया। एक इंजेक्शन और पतलू ठीक हो जाएगा। लेकिन जल्दी करो यार, वरना ये दवा का असर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अरे टैंक की दीवार टूट गई है, इसका छेद बंद नहीं किया तो पूरा भुरभुरी नगर डूब जाएगा। डॉक्टर झटका, उस दीवार के छेद को रोकने का एक तरीका है। अरे पतलू को जल्दी जल्दी खाना खिलाओ, वरना दीवार की छेद से पानी रुक नहीं पाएगा। पतलू का पेट बड़ा करना होगा। दीवार में अटक गया। ओ कसम मेरे मरीजों की, भाइयो रुक जाओ और थोड़ा काम मुझे भी तो करने दो यारो। तुम्हें इनाम मिलेगा, तुमने पूरे फुरफुरी नगर को डूबने से बचा लिया।